आपके पिताजी को आपको कोई बोलता हाँ, कि आपका लड़का तो लंडा बन गया, वो लड़की समझ के टच करना, गलत व्यवहार करना, कमेंट करना, कोई हम लोग को किन्नर, कोई गे, कोई छक्का, कोई मीठा गुड़, ऐसे लोग बोलते हैं हेलो। लेकिन हम लोग उन लोग की बातों पे ध्यान ना देते हुए हम लोग अभी मांगते होंगे हाँ, बहुत गंदा गंदा कमेंट करते हैं लोग, बोलते हैं लोग, बोलते हैं लोग 500 दो, यहाँ चलो, वो करो, ये कौन समझाए कि हम लोग का ये शौक है, हम लोग अपना डांस करते हैं लोग, अपने डांस करके अपना पढ़ाई भी करते हैं लोग। अभी मैं 12 में पढ़ता हूँ यहीं उदित नारायण पटरौना में, और मैं अपने इस डांस से अपना पढ़ाई करता हूँ, और अपना रूम का भाड़ा, अपना सब चीज़ देखता हूँ, अपना खर्चा उठाता हूँ। हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एक लड़की हैं लोग, लड़की का ड्रेस पहनने के बाद हम लोग को एकदम ऐसा लगता है कि हम लोग लड़की हैं लोग, और हम लोगों का जो डांस होता है, जो परफॉर्मेंस होता है, लोगों को भी मतलब इतना आकर्षित करता है कि हम लोग को हर जगह से इन्वाइट होता है, और हमें हर फंक्शन में हम लोग को बुलाया जाता है। आपको तो कोई भी लौंडा बोल देता होगा कि हाँ ये लौंडा है? नहीं, अधिकतर 100% में से 80% लोग हम लोगों को लड़की समझते हैं। शुरू से हम लोग ऐसे बोलते हैं लोग, चलते हैं लोग, रहते हैं लोग, हम लोग के फैमिली वालों में ऐसा कोई ट्रोल नहीं करता है, कोई कमेंट नहीं करता। पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी डांसर है लड़का में जी, गे और किन्नर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो भी लड़का है जी, जी। वो किसी ना किसी रिलेशन संबंध में है, लड़का लड़का से ही संबंध में है मतलब, और कुछ गलत संबंध नहीं है। हाँ, जिस बात से प्यार नहीं, दिल से प्यार है। सकते हैं कि बिल्कुल लड़कियों की तरह बाल, घुंघरालू बाल है इनके, और ये बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, आप देख सकते हैं आईब्रो जो है इनका, इनका पलक जो है दिखाइए, ये आईब्रो बनवाए हुए हैं, मतलब बिल्कुल ये दिखाइए सीने की जो है बाल, वो भी जो है ये निकलवा चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनूप जायसवाल है। अनूप जी, आप एक चीज़ बताइए, आप जो ये लड़कियों वाली हेयर स्टाइल या ये आईब्रो बना के रखना, लौंडा बनना, ये क्यों, ऐसा शक्ल क्यों बना के? जैसे हम लोग डांस करते हैं, लोग प्रोग्राम करते हैं, किसी के घर भी शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, मुंडन, कुछ भी रहता है, खुशी के माहौल में हम लोग को बुलाया जाता है, हम लोग डांस करते हैं लोग अपना, इसलिए लेडीज़ कॉस्ट्यूम में। लेडीज़ कॉस्ट्यूम में तो आपको तो कोई भी लौंडा बोल देता होगा कि हाँ ये लौंडा है? नहीं, अधिकतर 100% में से 80% लोग हम लोग को लड़की समझते हैं लोग। लड़की ही समझते हैं? हाँ, लड़की ही समझते हैं लोग। तो आप लड़की हैं? नहीं ना, फील नहीं, हम लोग नॉर्मल लड़का हैं लोग, जैसे आप हम जैसे लोग हैं वैसे हम भी नॉर्मल ही लड़का हैं। लड़की वाला मतलब कोई नहीं, बस हम लोग कॉस्ट्यूम लड़की वाला पहन के अपना डांस करते हैं लोग। ऐसा करते करते लड़कियों जैसे हाव भाव देख रहे हैं कि आपके अंदर आ गए? हाँ, जैसे जिस भाव में मतलब आदमी ढल जाता है जिस माहौल में, वैसे उसकी हरकतें ऐसी हो जाती हैं, थोड़ा बहुत लड़कियों जैसी हो जाती हैं। तो लड़कियों जैसे आपका मतलब बोलने का स्टाइल भी है, आंखें हाँ, भी, मैं देखने का जो तरीका है आपका एकदम बिल्कुल लड़कियों वाला है, हाथ जो है आप जो कर रहे हैं इधर उधर, वो बिल्कुल लड़की की तरह कर रहे हैं। हम लोग जैसे हमारे फैमिली में अधिकतर लेडीज हैं सब, तो मैं शुरू से लेडीजों के बीच में रहा हूँ अपने मतलब घर पे, तो हम लोग एक दूसरे को देख के सीख के मतलब ऐसे हम लोग हैं लोग, और शुरू से हम लोग ऐसे बोलते हैं लोग, चलते हैं लोग, रहते हैं लोग, हम लोग के फैमिली वालों में ऐसा कोई ट्रोल नहीं करता है, कोई कमेंट नहीं करता है गलत। तो घर के अगल बगल के आपके पिताजी को आपको कोई बोलता हाँ, कि आपका लड़का तो लंडा बन गया? घर के अगल बगल के लोग बहुत लोग मतलब ताना मारते हैं लोग कि आपका लड़का डांस करता है एक लड़की बन के, ये सब गलत है। लेकिन उन लोगों को कौन समझाए कि हम लोग का ये शौक है, हम लोग अपना डांस करते हैं लोग, अपने डांस करके अपना पढ़ाई भी करते हैं लोग। अभी मैं 12 में पढ़ता हूँ यहीं उदित नारायण पटरौना में, और मैं अपने इस डांस से अपना पढ़ाई करता हूँ, और अपना रूम का भाड़ा, अपना सब चीज़ देखता हूँ, अपना खर्चा उठाता हूँ। मतलब इंटरेस्ट आपको लड़की में है या लड़का में है? हमको इंटरेस्ट जैसे हम लोग रात में जब ड्रेस पहन लेते हैं तो अपने आप को हम लोग अधिकतर लड़की ही समझते हैं लोग, उस टाइम हम लोग अपने आप को लड़की समझते हैं, यानी लड़कों में कोई मतलब लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मतलब फीलिंग जो है आपको लड़की वाली हाँ, ड्रेस चढ़ाने के बाद हम लोग को फीलिंग लड़कियों जैसी हो जाती है। आपको भी नहीं? हम लोग को जैसे हम लोग लड़की में हम लोग फीलिंग लड़के में फीलिंग नहीं, हम लोग को फीलिंग मतलब बस डांस करते हैं लड़की का ड्रेस पहन के, लड़की का ड्रेस पहन के आप डांस करते हैं बस, फीलिंग आपको लड़कों वाला ही हाँ है। बस जैसे ड्रेस पहनते हैं तो हम लोग का लुक बदल जाता है अलग हाँ बस हम लोग बस इतना ही है। उस समय आपको अपने आप को मान लेते हैं कि हम लड़की हैं? हाँ, उस टाइम हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एक लड़की हैं लोग, लड़की का ड्रेस पहनने के बाद हम लोग को एकदम ऐसा लगता है कि हम लोग लड़की हैं लोग, और हम लोगों का जो डांस होता है, जो परफॉर्मेंस होता है, लोगों को भी मतलब इतना आकर्षित करता है कि हम लोग को हर जगह से इन्वाइट होता है, और हमें हर फंक्शन में हम लोग को बुलाया जाता है। और जो लेडीज़ें होती हैं जो डांस करती हैं ऑर्केस्ट्रा में या फिर
अन्य जगहों पर उन लोगों को ना बुलाते हुए हम लोग को भी बुलाया जाता है डांस करने के लिए। तो जो लड़के आते होंगे आपको देखने के लिए वहाँ पे, तो आपको जैसे लड़की डांस करती है उनके साथ वो लोग छूना, उनको टच करना, ये सब वो तो नॉर्मली बात है। जो मतलब पब्लिक जो डांस देखने आता है या फिर जो अगल बगल का रहता है, वो लड़की समझ के टच करना, गलत व्यवहार करना, कमेंट करना, कोई हम लोग को किन्नर, कोई गे, कोई छक्का, कोई मीठा, गुड़, ऐसे लोग बोलते हैं लोग। लेकिन हम लोग उन लोग की बातों पर ध्यान ना देते हुए हम लोग भी मांगते होंगे। हाँ, बहुत गंदा गंदा कमेंट करते हैं लोग, बोलते हैं लोग, बोलते हैं लोग 500 दो, यहाँ चलो, वो करो, ये। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, जो बोलता है उन लोग का जवाब हम लोग खुद देते हैं लोग। उस समय तो आपकी भी फीलिंग लड़कियों जैसी हो जाती है ना? लड़की जैसी फीलिंग रहती है, लेकिन जो कोई गलत गंदा कमेंट करता है तो हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम लोग गाली वाली भी दे देते हैं लोग। कई कई जगह तो हम लोग मतलब झगड़ा भी हो जाता है, कई कई जगह हम लोग पुलिस भी बुला देते हैं लोग फोन करके। अच्छा, बिल्कुल आप थोड़ा सा दिखाइएगा, ये जो आँखें हैं इनको बिल्कुल बिल्कुल, जब जो आपकी आँखें हैं ना एकदम लड़कियों की तरह है। अब वो भगवान ने बनाया है तो हम इंसान का बनाया हुआ नहीं है, तो भगवान ने जैसा बनाया है मुझे लगता है कि जैसा ही बनाया और उसका बनाया हुआ परफेक्ट होता है, उसका बनाया हुआ गलत नहीं होता। आगे भविष्य में चल के क्या आपको लड़की से शादी करना है या किसी लड़के से शादी करना है? अब इस मैटर में मेरे फैमिली वाले जानेंगे लोग, अब मैं नहीं जानूंगा। आपको शादी करना है, जीवन शादी है तो हाँ, मेरे मम्मी पापा जहाँ मतलब करेंगे लोग। मतलब आपको इंटरेस्ट लड़की में है या लड़का में? आप शादी किसी लड़का से करना चाहते हैं या किसी लड़की से करना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। इस बारे में हम नहीं बता सकते हैं, ये बात तो, ये डिसाइड तो आपको करना है ना। इस लाइन में जो भी डांसर है जी, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी डांसर है लड़का में जी, गे और किन्नर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो भी लड़का है जी, वो किसी ना किसी रिलेशन संबंध में है, लड़का लड़का से ही संबंध में है जी, जी। तो मेरे भी मतलब फ्रेंड हैं, जैसे ये भी मेरा फ्रेंड है जी, जी। इसका भी कोई फ्रेंड है जी, जी, ऐसे हम लोग रिलेशनशिप में है, लोग दोस्ती है, प्यार तो है, मोहब्बत है। लड़का के साथ ही आप लोग फ्रेंडशिप में? हाँ, लड़के के साथ ही फ्रेंडशिप है। मतलब होते हैं मतलब और कुछ गलत संबंध नहीं है? हाँ, जिस्म से प्यार नहीं, दिल से प्यार है। दिल से प्यार है, लेकिन दिल से प्यार ही जिस्म तक पहुँच जाता है ना धीरे धीरे। दिल से प्यार जिस्म तक पहुँच जाता है, लेकिन हम लोग को ये समझ है ना कि हम भी लड़का है वो भी लड़का है, तो ऐसा नहीं होना होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो प्यार है संबंध है वो जिंदगी भर रहेगा अगर भगवान चाहे तो। लेकिन भविष्य में ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन आगे चलकर ये जो है हो सकता है मे बी ये लड़का से ही शादी करेंगे, जैसे इनका बातों से लग रहा है। बाकी आप क्या सोचते समझते हैं हमारे देश के युवाओं के बारे में, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।